की रोटी खाई होगी, गेहूं का रोटी, चावल का रोटी, लेकिन आज मैं मकई का रोटी बना रही हूँ और वो भी मसाले वाली। ये मैं मकई का आटा ली हूँ, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना बनाना हो आप उतना मकई का आटा ले लीजिए। ये मसाला वाला मकई का रोटी बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसमें हम नमक टेस्ट के हिसाब से दे दिए हैं। इसे पराठा बोलो या रोटी, क्योंकि इसे आप पराठा के जैसे भी सेक सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसे आप रोटी के जैसे भी सेक सकते हैं, इसे आप दोनों तरह से सेक सकते हैं। ये थोड़ा अजवाइन डाल देंगे। ये सारा मसाला आप अपने अंदाज से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। ये थोड़ा हल्दी डाल देंगे, हल्दी से रोटी का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये थोड़ा लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा जीरा भी मैंने डाल दिया है, एक बड़ा प्याज मैंने इसे भी महीन चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद अब ये थोड़ा हरी मिर्च है, इसे भी मैंने महीन महीन चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब सबको आपस में मिला लेंगे और इसमें पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना पानी डालेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे, पानी का भी इसमें कोई नाप नहीं है, इसमें जितना ज़रूरत होगा उतना पानी डालेंगे, क्योंकि मकई ऐसे भी बहुत पानी सोखता है, इसमें पानी की मात्रा अच्छी तरह से यूज़ होती है। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे आप शेयर भी करिएगा। मैंने इस गिलास से एक गिलास पानी लिया था, सारा पानी यूज़ हो गया है, बस ज़रा सा बचा हुआ है। इसे चिकना करके गूंथने में पानी अच्छी मात्रा में लग जाती है। देखिए जो पानी बचा हुआ था उसे भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसे पूरा चिकना बनाना है। अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं। गैस पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा मकई का आटा लेंगे। थोड़ा सूखा आटा बेलने के लिए हमें चाहिए। आप मकई का भी ले सकते हैं और गेहूँ का भी ले सकते हैं, लेकिन जब मकई की रोटी बना रही हूँ तो मकई का ही आटा ले लेती हूँ। अब हम एक लोई तोड़ेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगा के इसे हाथ से गोल गोल घुमाते हुए बेलेंगे। इसे खूब ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बना रही हूँ, इसे मैंने हाथ से ही बेल के तैयार कर लिया है। अगर आपसे हाथ से इस तरह से नहीं हो तो आप दो प्लास्टिक के बीच में इसे रख के और बेलन से बेल लीजिएगा, जैसे आलू का पापड़ बनाते हैं उस तरह से। तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर थोड़ा तेल लगाकर इसे हम चिकना कर लेते हैं, और इस पर अब हम बेकिंग को डालेंगे। अब इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब उस साइड हमारा सिक गया है थोड़ा। अब इसे हम पलट देंगे। अगर इसे आपको पराठा के जैसे सेकना है तो इस पर आप घी या तेल लगाकर इसे सेक सकते हैं, लेकिन मैं इसे रोटी के जैसे सेकूँगी। और एक बात और, इसे आप चाहें तो हाफ हाफ सेक कर भी रख सकते हैं। हाफ सेक लीजिए, उसे रख दीजिए, और जब कोई खाए तो उस वक्त इसे घी लगाकर, आपको सेकना है तो घी लगाकर तवा पे सेक कर दे दीजिए, या डायरेक्ट गैस पे जैसे हम रोटी सेकते हैं उस तरह से सेक कर आप दे दीजिए, वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा इस साइड भी सेक गया है। अब इसे हम डायरेक्ट गैस पे रख के सेकेंगे। तवा को हम साइड कर देते हैं और रोटी हम गैस पे रखेंगे, और दूसरी बेली हुई रोटी को हम फिर से तवे पे डाल देंगे। इसे दोनों साइड से उलट पुलट करके सेकेंगे। देखिए ये हमारा बहुत अच्छा सिक के लाल हो गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इस वाले को वापस तवे को गैस पे रख देते हैं, और इसे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। अब ये मैंने घी लिया है, इस पर थोड़ा घी लगा देंगे। इसमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर घी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह से खाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसे भी मैंने सेक किया है, इस पर भी हम घी लगा देंगे। इस रोटी के साथ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप फिर भी आपका मन है तो आप इसे दही के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा। मकई का मसाला वाला रोटी बन के तैयार हो गया है। इसे आप भी एक बार ज़रूर से बनाइएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली और भी नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।